गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था, अब नबी के सामने गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं, आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि आपको चिंता है। चिंता है मेरे आँख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ जान लीजिए, आँख से आंसू जो है दब गए हैं, दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाहूँ, एक महंत भी तकलीफ में। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है, कुरान ना कहीं भी देख लीजिए नहीं है, कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम पलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनके भी खून आ गया, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे, बोले थे ये मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे, इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं, उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। बादशाह तो 73 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर किस लिए हो जाता है कि साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका को नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे भाई महाकाल का महात्मा कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता। मैं एक संत हूं, राम और रहीम किसी भी कोई बदतमीजी करेगा हम आंख निकालने का काम करेंगे, हम संत हैं। अभी आप आया है, खून खोला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म की। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी, आज भी तो आएगी ना धर्म, क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, आरबी समझ में आ गई, हम भी तो इतनी देर चिल्ला रहे थे कि ये फ्रीज एलिमेंटाइन को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर रहा, बयान है नरेंद्र मोदी का स्वाति प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये? नबी के बारे में और सुनो, वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी, शराब यहां हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की, उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है जो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे। उन्होंने नशा भी हराम कराया था, क्या उनकी ये बातें नहीं दिल में छूती? अच्छाई कहीं भी होगा तो उन्नत पैसे का काम, हम तो फकीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फकीर नहीं है, नंगे दुलंगे फकीर है। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो, नीचे ऊपर भगवान नीचे हाफ पैंट, अब बताओ हम क्या पहने? अगर नीचे पहनने कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती है, भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से, महंगाई इतनी ज्यादा है, कपड़ा हमें 100-200 मिलता था, 450-500 मिलता है, कहाँ खरीद? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था, नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल हुआ है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी, जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना, जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत कि ऐसी कार्रवाई करेंगी दुनिया सबक लेगी। इकलाक पहलू खाकि माँ को क्या जवाब देंगे, नजीब की माँ को क्या जवाब, उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आपका काफी आक्रोश थे, आपके सवाल बात है, आप ये बताइए आप सरकार से ठीक है आक्रोश में, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, उन्होंने कहा कि ये जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को, बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानी इशू है, इस्लामिक इशू है, उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा अजय डोभाल के द्वारा वहां पहुंचाए कि इस पार्टी ने माफी मांगी है कि आगे से ऐसे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे, और कोई भी और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार, बुलडोजर चल सकेगा? 30 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई तो कार्रवाई करना नहीं, जेल गए। देखो एक चीज बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो इतना अच्छा, तुमको हमने नबी के बारे में बताया फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग पाए जाके चक्करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नुपुर शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले फंसा है बेसर, उसको तो हम बेसर में करते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हजारों करोड़ का घोटाला करता है और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है, संत है, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी, मीडिया मैनेज की गई थी, लगाओ जांच कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी, मतलब मीडिया मैनेज होती है ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हम ये शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार। नबी के इतना ये कैसे आप? Oh.